देखो एग्जांपल्स हैं इंडक्टर्स में, कैसे एग्जांपल्स आते हैं इसको समझो, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में, मेनली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो बहुत मिलेंगे। पहला एग्जांपल, आपके पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर के साथ एक बल्ब लगा हुआ है, रेजिस्टर के साथ एक बल्ब लगा हुआ है, नीचे बैटरी है, स्विच ऑफ है। अब वो कह रहा है कि स्विच एस को मैंने क्लोज कर दिया तो करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो कौन सा बल्ब पहले ग्लो करेगा, अर्लियर कौन होगा? अब देखो जब करंट इसमें मान लो 3 एम्पियर का करंट है तो करंट एकदम तीन तो निकलेगा नहीं, बैटरी में से करंट टाइम लेगा, तो 1, 2, 3। तो जैसे ही करंट इनमें बढ़ रहा होगा, इंडक्टर में करंट जब बढ़ रहा है तो इंडक्टर ये होने नहीं देगा अपने अंदर, उल्टा करंट उल्टी EMF जनरेट कर लेगा जो इस करंट को कम करेगा, बल्ब ठीक से ग्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तो रेजिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस EMF तो है नहीं, तो ये पहले जलेगा एज कम्पेयर टू दिस। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये वाला बल्ब पहले क्यों जलेगा? क्योंकि इंडक्टर अपोज करेगा आपके इंक्रीजिंग करंट को, क्यों? बाय डेवलपिंग इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट उसको कम कर देगा अपने आते हुए करंट को, तो बल्ब नहीं जल पाएगा। मैंने बताया ना वो हैलोजन लैंप भी धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि इंडक्टर अपोज करता है, पर रेजिस्टर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो इंड्यूस करंट पैदा करता ही नहीं है, तो ये पहले चलेगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, विल द टू बल्ब इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम? आफ्टर सम टाइम बैटरी का करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मान लो 3 एम्पियर हो गया, अब बढ़ना बंद हो गया, इंडक्टर के अंदर करंट मैक्सिमम हो गया, इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब करंट का मैक्सिमम हो जाना, करंट मैक्सिमम हो गया। जब करंट इसमें मैक्सिमम हो गया तो इसने अपोजिशन शो करनी बंद कर देनी है, तो फिर ये तो पहले नहीं कर रहा था, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि करंट जब कांस्टेंट है तो इसमें इंड्यूस करंट पैदा होगा ही नहीं। तो ऐसे केस में ये इक्वली ब्राइट हो जाएंगे, फिर फ्लक्चुएशन नहीं होगी। ठीक, दूसरा केस भी क्लियर है। तो ऐसा तभी होगा जब करंट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, कांस्टेंट करंट में इंडक्टर में इंड्यूस करंट पैदा नहीं होता। ठीक, फर्स्ट केस में जब ये ऑन करोगे करंट तो करंट बढ़ेगा दोनों ब्रांचेस में, जब करंट इसमें बढ़ेगा तो ये इंड्यूस करंट पैदा करेगा और आपके बढ़ते हुए करंट को कम करेगा, तो ये जल्दी पाएगा। इसमें तो इंड्यूस करंट पैदा होता ही नहीं, तो इसमें तो एज इट इज चला गया, ये चल गया, ये पहले चलेगा, ये लेट चलेगा। बहुत देर के बाद क्या होगा? बहुत देर के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट करंट जब दोनों में पास करेगा तो उस केस में क्या होगा? कांस्टेंट करंट जब दोनों में पास करेगा तो इंडक्टर में इंड्यूस करंट पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट तो तब पैदा होता है जब करंट या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कांस्टेंट के ऊपर इंड्यूस करंट पैदा नहीं होता, तो फिर ब्राइट हो जाएगा, दोनों ब्राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ डज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर कॉइल, एयर कोर कॉइल ये होती है बीच में हवा है, एक खाली सोलेनोइड बीच में हवा है, एयर कोर कॉइल चेंजेस सेल्फ इंडक्टेंस होती क्या है? एल, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस एक ही बात है, तो एल कैसे चेंज होगा इस कॉइल का, बल्ब लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल डिक्रीजेस, तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स गिरा दूं तो एल का क्या होगा? आप पहले एल का फॉर्मूला बोलो, क्या किया हमने, ये एल का फॉर्मूला है। इस एल के फॉर्मूले में अगर मैं एन नंबर ऑफ टर्न्स को गिरा दूं तो एल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम। तो पहला आंसर मिल गया, बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स सेल्फ इंडक्शन डिक्रीजेस। सेल्फ इंडक्शन का सिंबल क्या होता है? एल, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन एक ही बात है, डिक्रीज हो जाएगा। पहला आंसर क्लियर है। दूसरा, आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस इन द कॉइल, इसके अंदर एयर की जगह लोहा आयरन कोर डाल दिया। जब आयरन कोर डालते हैं सोलेनॉइड में तो इंडक्टर, मैंने फॉर्मूला लिखवाया भी था इंडक्टर के अंदर, तो इंडक्टर में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल में एक और टर्म ऐड हो जाती है, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्योंकि आयरन कोर एक अलग मटेरियल है, मीडियम चेंज हो जाता है, वैक्यूम नहीं रहता, एयर नहीं रहती, एयर के साथ आयरन का मिक्सचर है, तो म्यू आर हो गया। तो ये वाली टर्म तो एल है, जो बची हुई टर्म है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ये तो एल है, तो आंसर क्या आएगा? एल डैश इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एल। क्लियर है यहाँ तक? तो आपकी इंडक्टेंस म्यू आर टाइम्स हो जाएगी अगर आप आयरन कोर बीच में डाल देंगे। ये भी आंसर क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट, व्हेन कीज प्रेस्ड लैम्प ग्लोज डिमली
एंड व्हेन ओपन लैम्प बिकम्स ब्राइट, व्हाई? वो कह रहे हैं अगर तो मैंने इसको ओपन कर दिया, अच्छा भला करंट जा रहा था, मैंने इसको खोल दी की को, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, तो बल्ब ग्लो करता है। क्यों करता है? जैसे ही आप इसे ओपन कर देते हैं बैटरी का सर्किट क्लोज हो गया, टूट गया, तो इस इंडक्टर का करंट एकदम ज़ीरो हो गया। इंडक्टर का जैसे ही करंट ज़ीरो हुआ इसका फ्लक्स डिक्रीज हो गया। फ्लक्स डिक्रीज होने के चक्कर में इसमें क्या पैदा हो गया? इंड्यूस करंट पैदा हो गया, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गई। वो इंड्यूस ईएमएफ कहाँ गई? बल्ब में गई, तो बल्ब ऑन हो गया। जबकि आपने पीछे से बैटरी को क्या किया था? ऑफ किया था। आपने बैटरी को ऑफ किया तो ऑफ करने से आपने इसका करंट बंद कर दिया, पर करंट कम करने से इसका मैग्नेटिक फील्ड गिर गया, फ्लक्स गिर गया, तो ये अपने आप करंट पैदा हो गया इसमें, इंड्यूस करंट, जिससे कि बल्ब बुझने की बजाय एकदम ग्लो हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। अगर कुछ ना समझ में आए इन क्वेश्चंस में, इंडक्टर में कुछ पता ही नहीं क्या बोला, तो लिख देना बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द इंडक्टर। क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी तो एक ही है, नहीं समझ में आएगा, कम से कम ये प्रॉपर्टी पे काम तो होना ही है। तो गोलमोल आंसर लिखना हो तो एक आंसर तो पक्का ही है, बिकॉज देयर इज चेंज ऑफ करंट। अब चेंज में क्या है, बटन दबाया या बंद किया, क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप्ड। तो अगर लिखना है कि हाँ करंट बल्ब ऑन होगा तो लिख देना हाँ उसमें करंट ईएमएफ डेवलप होगी, करंट बल्ब ऑन हो गया। अगर ऑफ करवाना है तो कहना इंड्यूस ईएमएफ ने अपोज कर दिया, बल्ब ऑफ हो गया भाई। मतलब अगर क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक, लॉजिक में बता रहा हूँ सारे, लेकिन इसका तोड़ भी बता रहा हूँ, कुछ ना समझ में आए कम से कम ये तो लिखिए हमारे सब्जेक्टिव में। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो। एक्सक्यूज मी सर, कल के टेस्ट में ये वाला आज क्लास का आएगा? नहीं, इंडक्टर नहीं आएगा, एल और एम कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एसी डायनेमो तो आएगा ना? एसी डायनेमो तो आएगा, इस लेक्चर के पहले जो हुआ सारा आएगा, इमोशनल ईएमएफ सारा आएगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, कॉइल क्यू इज़ कनेक्टेड टू लो वोल्टेज, ये लो एक लो वोल्टेज बल्ब के साथ कनेक्ट किया कॉइल क्यू और पी के पास रख दिया। एसी सोर्स गिव रीज़न बल्ब बी लाइट, भाई बल्ब जल गया अभी अपने आप ही, इसमें कोई करंट तो पास किया ही नहीं। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, अल्टरनेटिंग का मतलब करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो इसका जब बी बढ़ेगा या करंट जब बढ़ेगा या कम होगा तो इसमें करंट चेंज होगा, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, ये अपने पड़ोस की कॉइल का फ्लक्स चेंज करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका फ्लक्स चेंज हो गया, इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगी जिससे बल्ब ऑन हो जाएगा, तो इसमें भी चेंज होता रहेगा, तो बल्ब भी ऐसे ऐसे ऑन ऑफ होता रहेगा। ऑन तो हुआ था,
तो करंट ऑल्टरनेटिंग चेंज होगा, होता रहेगा, कभी इधर चेंज होता रहेगा, इसका भी चेंज कर देगा फ्लक्स कभी इधर, तो बल्ब भी ऑन हो जाए, बल्ब तो ऑन हो ही जाएगा ना फिर भी। नेक्स्ट है, बल्ब गेट्स डिमर इफ क्यू इज मूव टुवर्ड लेफ्ट, अगर क्यू को लेफ्ट की तरफ ले जाएं बल्ब बुझ जाएगा, डिम हो जाएगा, क्यों? म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो फ्लक्स ठीक तरह चेंज नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ लार्जर डिस्टेंस, जिससे कि क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस प्रॉपर हो नहीं पाएगी और बल्ब डिम हो जाएगा। लो शायद ये क्वेश्चन डला है टेस्ट में, हाँ मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये देखा है, ठीक आ गया तो कल वाले टेस्ट में। एक नंबर ऑब्जेक्टिव, वो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि अगर एक मैग्नेट इस क्वाइल में गिरेगा तो ग्राफ प्लॉट करो इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ। तो इस क्वेश्चन का इंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड है, सिंपल है, फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर ये मान लो एक कॉइल है, कॉइल में आपने वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर जो ईएमएफ मेजर करेगा, आपने मैग्नेट को घेरना शुरू किया, मैग्नेट पास 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 आ रही है, फिर घुस गई अंदर, इस कॉइल के अंदर घुस गई और फिर बाहर निकल आई। तो ये स्टेजेस हैं, मैग्नेट पास आ रही है, बहुत पास आ गई, अंदर एंटर कर गई, बिल्कुल अंदर आ गई, बाहर निकलनी शुरू हो गई, और बाहर आई, बिल्कुल बाहर आई, निकल गई। तो ईएमएफ का क्या होगा, जब मैग्नेट बहुत ही दूर थी तो ईएमएफ क्या थी, जीरो। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, बहुत दूर है, मैग्नेट पास आ रही है कॉइल के पास 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 आ रही है, तो ईएमएफ बढ़ेगी 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 और फिर मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली स्टेज होगी, मैक्सिमम है, उसके बाद क्या होगा, ये एंटर कर गई, जब एंटर कर गई तो मैग्नेट का एक पोल ही एंटर कर गया अंदर, तो आधी मैग्नेट अंदर रहेगी आधी बाहर रह गई, तो आपकी ईएमएफ कम होनी स्टार्ट हो गई और एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैग्नेट पूरी तरह ना तो पास आ रही है ना दूर जा रही है, बिल्कुल अंदर फंस गई। जब ये अंदर चली जाएगी तो ईएमएफ बिल्कुल क्या हो जाएगी, इसकी जीरो, ये सेंटर से पास कर रहा है, ईएमएफ जीरो। जब मैग्नेट सेंटर में होगी तो जीरो। अब मैग्नेट बाहर निकलनी शुरू होगी, बाहर निकलेगी, ईएमएफ उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगी और दूर जाएगी और दूर, मैक्सिमम फिर कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाएगी, तो ईएमएफ बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी और बहुत दूर जाने पर ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये वेरिएशन प्लॉट करना है आपने कि जब मैग्नेट बहुत दूर है ईएमएफ जीरो, पास आ रही है ईएमएफ मैक्सिमम, मैग्नेट अंदर घुस गई कॉइल के कम होनी स्टार्ट हो गई, पूरी तरह अंदर घुस गई जीरो हो गई, बाहर निकलनी स्टार्ट हुई ईएमएफ बढ़ गई, मैक्सिमम हुई और फिर बहुत दूर चली गई तो जीरो जीरो हो जाएगी। तो ये प्लॉट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है यहाँ तक, ये नहीं करेंगे अभी। ये दो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये वाला और नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको भी करो, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो मेंस में भी आया हुआ है, वैसे है एनसीईआरटी का, दो लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ो जरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, देखो एक ना स्क्वायर साइड है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें 2 टेस्ला है, तो बी इसमें गिवन है 2 टेस्ला है, रेजिस्टेंस ऑफ ओएस और पीक्यू, ओएस पीक्यू सब नेग्लेक्टेड है, यहाँ पर एक वीट स्टोन ब्रिज बना रखा है बैलेंस्ड, तो इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, 3/3, 3/3, तो ये उड़ जाएगा, तो 3 और 3 सीरीज में 6, 3 और 3 सीरीज में 6, 6, 6 पैरल में तो 3, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 आएगी,
इसकी वन है थ्री और वन, टोटल रेजिस्टेंस फोर, तो पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फोर है। ये 0.1 मीटर है, ये मूव कर रहे हैं तो इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी, और इसमें गिवन है कि करंट इसमें जो पैदा होगा मोशनल ईएमएफ से वो 1 मिली एम्पियर है। आपको वेलोसिटी बतानी है क्या इस लूप की, तो आप क्या करेंगे इसमें ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम है, ईएमएफ कितनी है बीएलवी है, करंट क्या है बीएलवी बाय आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने वी नॉट निकाल दिया, करंट आपको गिवन है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, बी पता है एल पता है आंसर, सिंपल। तो करना ही कुछ नहीं है, फॉर्मूला एक ही यूज़ होना है इसमें, बस इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें तो 4 ओम है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आर्म पी क्यू, ये देख रहे हो, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो रॉड की लेंथ एल है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसको हम मूव करवा रहे हैं। ये पोजीशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो की, ये मैग्नेटिक फील्ड बस, मैग्नेटिक फील्ड बस यहाँ तक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है x इज इक्वल टू कितना बी तक, और ये जो रॉड जो जाएगी वो कहाँ तक जा रही है x इज इक्वल टू 2b तक, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आप रॉड को x इज इक्वल टू 0 से 2b तक, 2b से 0 तक मूव करवाएंगे। तो पहले इधर और फिर इधर, आधे में मैग्नेटिक फील्ड है आधे में नहीं है, फिर नहीं है फिर है, तो टू एंड फोर मूव करवाया आपने। तो जब आपने ऐसे किया, आपको बताना है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, इसमें करंट क्या होगा, इसमें फोर्स क्या लगेगी, पावर क्या होगी, और साथ में ग्राफ भी प्लॉट करना है सभी का, टाइम के साथ कैसे होगा, डिस्टेंस के साथ कैसे ग्राफ बनेगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। आम पी क्यू को मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो और बी के बीच में एग्जिस्ट करता है, बी बी से आगे अगर जाते हैं एक्स ग्रेटर देन बी पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस रॉड की आर है, पी क्यू को पुल किया जा रहा है जीरो से टू बी और फिर बैक टू बी से जीरो विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ वी,
फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स एंड पावर डिसिपेटेड टाइम के साथ कैसे चेंज होगी. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लक्स. फ्लक्स में जब रीजन जीरो और बी के बीच में रॉड है, जीरो और बी के बीच में रॉड है, इंपॉर्टेंट है फ्लक्स. फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट है. फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट है. तो जब आपकी रॉड जीरो और बी के बीच में लाई करेगी, जीरो और बी के बीच में, जीरो और बी के बीच में, तो कोई भी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी इंस्टेंट पर वो क्या होगी, एक्स. ये लेंथ क्या है, एल. ये एरिया क्या है, एल इंटू एक्स. तो इंस्टेंटेनियस एरिया होगा इसका. तो जीरो और बी के बीच में कहीं पर भी रॉड लाई करेगी तो ऐसे केस में जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, जीरो और बी के बीच में, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेकिन बी से कम, बी से कम. तो एरिया क्या है, एल इंटू एक्स. तो फ्लक्स क्या है, बी इंटू एरिया. तो ये फ्लक्स की वैल्यू है. तो एक्स अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा. तो पहला पॉइंट क्लियर है. तो ग्राफ क्या बनेगा, जीरो और बी के बीच में फ्लक्स बढ़ रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है. अब क्या हुआ, जब रॉड बिल्कुल बाउंड्री बी पे आ गई तो मैंने बी का पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं किया, मैंने इसमें इंक्लूड किया. एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी से, टू बी से लेस. तो बी की वैल्यू यहां पर इंक्लूड हुई, यहां पे इंक्लूड नहीं की मैंने. क्लियर है यहां तक, क्यों बताता हूं. तो जब यहां पे इंक्लूड कर ली एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू बी पे, ठीक एक्स इज इक्वल टू बी पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है कैपिटल बी. हाँ, ग्रेटर देन बी पे नहीं है, बी पे तो है. तो अगर बी पे है, मैं बताता हूं क्यों इंक्लूड किया मैंने. तो एक्स की वैल्यू जब बी के इक्वल है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, उस इंस्टेंट पर बी है. और एरिया क्या बनेगा, एल इंटू बी. तो एरिया देखो क्या बनेगा इसमें, ये जो लेंथ है ये कितनी है, बी है. मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये बी है और ये लेंथ क्या है, एल है. तो एरिया क्या बनेगा, एल इंटू बी. यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा वो एल इंटू बी होगा. तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि जब मैं रॉड को मूव करवा रहा था तो फ्लक्स बढ़ा 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 मैक्सिमम और फिर जीरो हो गया ना, आपको फ्लक्स बढ़ना बंद हो गया. आप ये कहेंगे जब मैं रॉड को मूव करवा रहा था यहाँ से यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम है, उसके बाद बढ़ना बंद हो गया, फिर जब मैं वापस आया फ्लक्स कम होना स्टार्ट हो गया. तो ऐसा नहीं बोलेंगे जीरो हो गया, आप बोलेंगे बढ़ना बंद हो गया. तो अब ये देखें, ये देखें, तो जब आप रॉड को लेके आ रहे हैं जीरो से भी तो फ्लक्स बढ़ रहे हैं, फिर पूरी जर्नी में जितना बढ़ना था बढ़ गया, उसके बाद अगले रीजन में फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. फिर अगले रीजन में क्या हुआ, बी वापस आने में फ्लक्स क्या होना स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया. तो समझ में आ रहा है, जब रॉड जीरो से बी पे आ रही है तो फ्लक्स बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट रहा और फिर कम हो गया. तो ये बढ़ा, कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट रहा और फिर इधर आ गया. तो ग्राफ समझ में आ रहा है यहाँ तक. तो ये ग्राफ प्लॉट करना है और ये वैल्यू लिखनी है. अब फिर वो कहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ क्या होगी. इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिख लो, ई इज इक्वल टू कितना, माइनस डी फाई बाई डी टी. फ्लक्स की वैल्यू जीरो और बी के बीच में क्या थी, बी एल एक्स. बी एल बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी टी वी. तो आंसर क्या आएगा, माइनस बी एल वी. तो ईएमएफ क्या होगी, मोशनल ईएमएफ माइनस बी एल वी. लेकिन अगर आप अगले रीजन में जाएंगे तो फ्लक्स तो आपका कॉन्स्टेंट था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहाँ फ्लक्स कांस्टेंट था. तो ईएमएफ भी क्या आएगी, इंड्यूस्ड जीरो. तो वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होनी बंद हो जाएगी. तो जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड में हैं तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फील्ड से बाहर निकल गए फ्लक्स रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगी, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा. तो देखो ग्राफ क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस बी एल वी, माइनस का मतलब कॉर्डिनेट नीचे का है, और फिर ये जीरो हो गई और फिर वापस, क्योंकि रॉड को वापस भी तो आना है. जब वापस मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो ये ईएमएफ है, जब जारी होगी तो ये है, मैं बीच में कुछ नहीं है. क्लियर है, यहां से पता लग रहा है. अगर आपका फ्लक्स बढ़ रहा है पॉजिटिव तो ईएमएफ नीचे की तरफ, कम हो रहा है ये रही, कांस्टेंट है तो कुछ नहीं. क्लियर है यहां तक, ठीक. अब बात करते हैं इंड्यूस करंट की. जो इंड्यूस करंट है ना वो क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस आर. इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस
बी एल वी बाई आर, फिर उसके बाद वापस आते हुए क्या है बी एल वी बाय आर, और बीच में क्या है ज़ीरो। तो जो ग्राफ ई एम एफ का बना वही ग्राफ किसका बनेगा, करंट का बनेगा। बस फर्क ये है ये ऐसे हो जाएगा बी एल वी बाई आर, बना नहीं हुआ करंट का ग्राफ, बनाना है तो बना लो, करंट का ग्राफ नीचे बनाना है बना लो। तो करंट का ग्राफ ऐसे बनेगा, करंट का ग्राफ ऐसे बना लो, ये करंट है फिर ये करंट है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू है बी एल वी बाय आर और ये माइनस बी एल वी बाय आर, ऐसे ये बी तक फिर ये बी से ज़ीरो तक, ऐसे ये बना लो करंट का ग्राफ, बना नहीं हुआ करंट का ग्राफ बना लो। तो जो ई एम एफ का ग्राफ है वही करंट का ग्राफ है। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो ये ग्राफ है। अब बात करते हैं करंट के बाद फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला याद करो हमने किया था बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। अब इसमें फोर्स में हम क्या करेंगे, इसको डराइव कैसे किया था, इसको डराइव ने ऐसे किया था ये देखो बी आई एल, और मुझे पता है कि पहले करंट क्या है माइनस बी एल वी बाई आर ऐसे, और फिर वापसी में क्या है प्लस बी एल वी बाय आर। तो समझ में आ रहा है? तो यानी कि फोर्स भी पहले नेगेटिव होगी और फिर फोर्स पॉजिटिव होगी। तो जो ग्राफ ई एम एफ का बना वही ग्राफ फोर्स का भी बनेगा, फोर्स का भी सेम ग्राफ है ये देखो नीचे ऊपर वाला। तो ई एम एफ का सेम वेरिएशन है, करंट का सेम वेरिएशन है, फोर्स का सेम वेरिएशन है। लेकिन अगर बात करते हो पावर की, पावर के अंदर क्या होता है सब पॉजिटिव होते हैं, ये पावर का फॉर्मूला है, तो इसलिए नेगेटिव बनता ही नहीं है। पावर में दोनों के दोनों क्या बनते हैं पॉजिटिव ही बनते हैं, पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसका आंसर है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में।